नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और रोचक एवं नवीनतम किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजे गए मंगल पर यान इनसाइट लैंडर की, जिसने भारतीय समय अनुसार मंगलवार रात करीब 1:30 बजे मंगल ग्रह पर कदम रखा। मंगल के लिए भेजे गए इस रोबोट ने 7 मिनट के बेहद अहम वक्त में लैंडिंग की है। नासा के इनसाइट मिशन का लक्ष्य मंगल के जमीनी और आंतरिक भागों का अध्ययन करना है, और पृथ्वी के अलावा यह इकलौता ऐसा ग्रह है जिसकी नासा इस तरह से जांच करने जा रहा है। इसकी लैंडिंग के दौरान 7 मिनट बेहद तनावपूर्ण गुजरे, और इस दौरान यह अंतरिक्ष यान धरती पर संदेश भेजता रहा। जब इनसाइट मिशन मंगल पर सुरक्षित तरीके से उतर गया तो कैलिफोर्निया में नासा के मिशन कंट्रोल में खुशी की लहर दौड़ गई। यह यान एलिसियम प्लानिशिया नामक स्पार्ट मैदान में उतरा है, जो इस लाल ग्रह की भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। अभी वैज्ञानिक इस यान के पूरी तरह ठीक होने और इसके आसपास की जानकारियों और तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं। ये सभी जानकारियां अगले कुछ घंटों में धरती पर आने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यह है इनसाइट लैंडर क्या है। मंगल पर उतरते समय इस यान के 7 मिनटों को बेहद अहम समझा जा रहा है। इसके लिए यान को अपनी रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम करनी थी। इनसाइट मंगल ग्रह के बारे में ऐसी जानकारियां दे सकता है जो अरबों सालों से नहीं मिली हैं। अपने अभियान के दौरान यह यान मंगल पर एक साइज्मोमीटर रखेगा, जो इसके अंदर की हलचलें रिकॉर्ड कर सकेगा। यह पता लगाएगा कि मंगल के अंदर कोई भूकंप जैसी हलचल होती भी है या नहीं। यह पहला यान है जो मंगल की खुदाई करके उसकी रहस्यमय जानकारियां जुटाएगा। साथ ही एक जर्मन उपकरण भी मंगल की जमीन के 5 मीटर नीचे जाकर उसके तापमान का पता लगाएगा। ग्रह के इस तापमान से यह पता चल सकेगा कि मंगल ग्रह अभी भी कितना सक्रिय है। इसके तीसरे प्रयोग में रेडियो ट्रांसमिशन का इस्तेमाल होगा, जिससे यह पता चलेगा कि यह ग्रह अपनी धुरी पर डगमगाते हुए कैसे घूमता है। इस अभियान से जुड़ी एक वैज्ञानिक सुजेन स्मरेकर कहती हैं, आप एक कच्चा अंडा लें और एक पका अंडा, दोनों को घुमाने पर वह अलग अलग तरीके से घूमेगा, क्योंकि इसके अंदर तरल पदार्थ अलग अलग है। आज हम यह नहीं जानते कि मंगल के अंदर तरल चीज है या ठोस चीज, साथ ही इसका भीतरी भाग कितना बड़ा है यह नहीं मालूम। इनसाइट हमें इसकी जानकारी देने की कोशिश करेगा। आशा करता हूं आज की हमारी यह न्यूज आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।